अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो अभी हम लोग जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज जो है मौसम बड़ा ज़बरदस्त है एंड आज मैं पहली दफ़ा पर्थ में लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करने जा रही हूँ, क्योंकि अब सीन ये है कि अमरान जो है वो जॉब पे होते हैं एंड मुझे अगर कहीं निकलना हो तो मेरे लिए बहुत इशू है, बिकॉज मेरा ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं बना है। इट इज़ गोइंग टू टेक अराउंड 6 months और 6 महीने लगेंगे। 6 महीने के बाद मेरा टेस्ट होगा, वो मैं क्लियर करूँगी, तो फिर उसके बाद ही जो है ड्राइविंग कर सकती हूँ। फिलहाल जो मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मैंने लर्नर लाइसेंस लिया हुआ है, वो मैं कामरान की सुपरविजन में कर सकती हूँ। तो अब अगर मुझे अकेले बाहर निकलना हो, जब तक आई रियली नीड टू यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज पहले तो मैं यूज़ कर लेती थी ऊबर वगैरह, लेकिन सिंस अब बेबी हो गया है, ज़ोरैन हो गया है, तो ज़ोरैन के बाद ये सीन है कि बेबी को आप कार सीट के बगैर गाड़ी में नहीं बिठा सकते एंड देयर आर वेरी फ्यू ऊबर्स जो कि कार सीट जिनमें अवेलेबल होती है, कभी गाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इन सब रीजंस की वजह से मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं एंड इट्स द फर्स्ट टाइम जो मैं आज यूज़ करने जा रही हूं। मम्मा के साथ मैं निकली हूं, ये रही मम्मा और पीछे वो स्टॉप है एंड अभी इट्स गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस। मुझे सारी बातें कामरान ने समझाई भी हैं और मैंने ऑनलाइन भी पढ़ ली हैं। सो इट सेज़ कि 4:25 पर जो है वो बस आएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ एंड कि इसी टाइम एग्जैक्ट इस टाइम पर आती है नहीं, आई हैव द ऐप जिसके अंदर वो सारी लाइव लोकेशन भी दिखा रहा होता है और किस तरीके से स्टॉप करते हैं, बस को स्टॉप पर रोकना कैसे होता है, जहाँ पर पहुँच जाए वहाँ पर उतरना कैसे होता है और पेमेंट का जैसे सारा क्या सिस्टम है, ये अब मैं आज सीखूंगी। वैसे तो कार्ड होता है लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा कोई कार्ड नहीं बना हुआ, सो आई विल बी पेइंग कैश। एंड कामरान ने ख़ुद भी जो है यूज़ नहीं की ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट 10 ईयर्स, तो अभी मैं देख रही हूँ बस आ रही है या नहीं। पिछले 10 साल में कामरान ने भी शायद एक या दो दफ़ा यूज़ किया, सो ही इज़ नॉट रियली वेल अवेयर ऑफ द सिस्टम कि किस तरीके से बसें जो है वो काम कर रही हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन पढ़ी हैं। कामरान अभी घर पे हैं ज़ोरैन के साथ, ही सेड कि यार आप लोग जाओ, अगर कोई इशू होता है या बस किसी और स्टॉप पर उतार देती है, व्हाट्सो एवर, आई विल कम एंड पिक अप यू गाइस। तो अभी बस वेट कर रहे हैं। सो ये रहा बस स्टॉप और ये रहा सारा टाइम टेबल लिखा हुआ है। यार अभी मैं एक चीज़ में कन्फ्यूज हूँ कि दो स्टॉप्स हैं, एक ये स्टॉप है और एक वो वाला स्टॉप है, वो देखिए नज़र आ रहा है। ओ बस आ गई है। Good afternoon. Good afternoon. Do you have a mask now? I'll try and remember to drop you there. Sure. So you're paying for two or one? For two of us. So just the Belmont form? Or yeah. Are you going to come back as well? Yeah, we're going to come back as within 2 hours? Yeah, within the 2 hours. Okay, so just give me $1.40 each, we'll be fine. Okay, sure. Yeah. So this is the bus. And I have to pay him on the way back, as he says, because I don't have the change. This is nice, really nice. The buses are also really cute. This is how it looks. And this is the weather today. तो सीन ये है कि मैं $50 का नोट लेकर आ गई थी एंड चेंज नहीं है मेरे पास, बट ही सेड इट्स ऑलराइट, इट्स फाइन एंड ही आस्क्ड कि अगर मुझे विदिन 2 आवर्स वापस आना है देन द बस विल डायरेक्टली कम फ्रॉम दैट स्पॉट, तो मैं इनको तब पे कर सकती हूँ। तो मुझे अब चेंज निकलवाना होगा जाकर। हम लोग अभी जा रहे हैं, यहाँ करीब में एक शॉपिंग सेंटर है, वहाँ से मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी। मम्मा ट्राउज़र चेंज करवाना था, उठाया? वेरी गुड। एनीवेज तो ये सीन चल रहा है एंड और हम पहुँच चुके हैं, ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू रीच। राइट, सो हम यहाँ से निकल चुके हैं, रैंप आउट वेरी नाइस, तो यानी कि मेरे लिए आसानी होगी वंस आई कम विद द ट्रैम। सो यहाँ पर मेरा बस स्टॉप और मैं उतरी हूँ डायरेक्टली मॉल के आगे, बस यहाँ से निकली। देखते हैं
एंड ये मॉल का बैक साइड वाला रास्ता है, यहाँ से भी गेट है, सो ज़्यादा वॉक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आराम से पहुँच गए हैं। ऑलराइट, सो ये देखें जी, हम पहुँच चुके हैं। एंड नाउ आई टू ग्रैब अ फ्यू थिंग्स जो कि मैं भी लूँगी। पहले ना कॉटन ऑन जाकर मुझे यहाँ की वैरायटी चेक करनी है, विंटर्स की क्या आई हुई है। सो आई एम एट कॉटन ऑन राइट नाउ। ये पीवी थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे। सो दीज आर द कलर पैलेट्स फॉर विंटर, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज भी काफ़ी चल रहा है। ये वाली देखिए, मैं ये वाली लेना चाह रही थी काफ़ी टाइम से ना, पहन के ट्राई करती हूँ। हाँ, पहन के। अच्छा, इसमें एक ये बेज कलर भी है और एक ये ब्लैक भी है, व्हाट डू यू थिंक? बेज ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ब्लैक तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन ये कि ब्लैक चलता हर किसी के साथ है। पफर, क्विल्टेड पफर्स आजकल काफी इन है फैशन में। थोड़ा सा नीचे कहेंगे पूरी है, ये मेरे ख्याल से साइज छोटा है। अच्छा, हाँ ये साइड। ओके, सो घर के लिए भी कुछ हम डेकोर आइटम्स देख रहे हैं। दिस इज अ ब्रांड कॉल्ड बेड एंड बेड बाथ एंड टेबल, दे आल्सो हैव रियली गुड स्टफ। एंड अभी इनके पास ऑफ भी लगा हुआ है। इनके पास वेज है लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए ना, वाइट कलर में, प्लेन वाइट। वो नहीं नज़र आ रहा, लाइक दे हैव गॉट दीज वंस, ग्लास के तो हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबा चाहिए। अभी मैं ये सारी चीज़ें देख रही हूँ एंड अगर कुछ मिल जाता है अच्छा और थोड़ा सा साइज़ में भारी हुआ या कुछ हुआ तो फिर मैं कामरान को बोलूँगी कि वो आके हमें पिक करें, अदरवाइज़ फिर मैं खुद से जा सकती हूँ। जैसे ये है ना, इस तरह का मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, लंबा, जो मैं फ्लोर पर रख सकूँ। अच्छा जी, सो यहाँ पर शायद आपको अपनी मर्ज़ी की सैंडल्स मिल जाए जैसी आप चाह रही थी। ऑलराइट, सो लुक एट द कलर पैलेट, एज आई टोल्ड यू गाइस, पॉप कलर्स, ब्राइट कलर्स चल रहे हैं, पिंक, ग्रीन, ये सब ऑटम के कलर्स हैं। मम्मा ट्राई करके देख रही हैं कैसी लगी है। तो अच्छी लगी, मेरी थोड़ी ज़्यादा हाइट है ना, हील ज़्यादा है। आज मैं मम्मा को इस वाले मॉल का जो है विजिट करवा रही हूँ। आई रियली लाइक दिस। अच्छा लग रहा है लेकिन ये थोड़े ज़्यादा है। सो दिस इज़ अ शॉप एंड अदर ब्रांड आउटलेट जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और यहाँ पर अच्छे मज़े मज़े के कपड़े होते हैं, काफ़ी स्टाइलिश होते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ कोट एज वेल जो क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, मुझे थोड़ा सा कोट स्टाइल में कुछ चाहिए बिकॉज़ हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं क्रूज़ पे जाने का और वहाँ पर यह है कि ठंड होगी डेफिनेटली, सो लुकिंग फॉर सम कोट्स। हाँ, लॉन्ग में ना, दिस ऑल्सो लुक्स नाइस। चलो, साइज इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल है। निकालो,
साइज यार इसके अंदर मीडियम है, मुझे समझ नहीं आ रहा ठीक है ये सही। ऑलराइट सो यहां से मैंने जो ट्राउजर चाहिए था मुझे वो मैंने ले लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर प्लेस। सो अब हम आए हैं के मार्ट बिकॉज मुझे लेना है अपने टीवी लाउंज के लिए एक थ्रो। और यार ब्लैंकेट्स तो इधर मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे ब्लैंकेट्स हैं, बट आई नीड टू गेट अ थ्रो जो थोड़े से साइज़ में छोटा हो। ऑलराइट सो थ्रोज जो है वो उस साइड पर अवेलेबल है, मैं गलत साइड पर थी। ऑल्सो आई नीड टू गेट दीज पाम्पाज इज़ वेल, लेकिन इसमें कलर्ड नहीं है, मुझे कलर्ड वाले चाहिए। ऑल राइट सो ये रही जगह थ्रोज की। नाउ आई नीड टू सी के कौन सा वाला मज़े का है। मुझे थोड़ा सा ना सॉफ्ट सॉफ्ट वाला चाहिए, दिस लुक्स क्वाइट सॉफ्ट, लेकिन मैं चाह रही हूँ जो थो मेरी थीम से भी जाए, मैच करे। देखें मम्मा ब्राउन कलर भी है, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना ये वो है पतला है, मुझे थोड़ा सा और कोजी थोड़ा सा ना वार्म टाइप चाहिए, जैसे ये वाला है ना ये ज़्यादा मज़े का। ये देखें ये वाला है हाथ लगा के मज़े का, थोड़ा सा कोजी फील आ रही है, लेकिन कलर इसका ये है, कलर हमारे उसके साथ जा नहीं रहा ना, ये वाला है हाँ, लेकिन नहीं ना ये भी वही सेम मटेरियल है इसका और इसका एक ही है। यस इन दोनों का ना एक जैसे है। Yeah, I'm looking for any beige, white. Beige. Okay. Yeah, so I do saw these ones, but this was in the pink. I really liked it. Yeah. If there are any other available. If you okay, so she told me that ye wale bahut soft hain. I absolutely love it. This is really soft. Lekin ye mere uske room ke sath ja nahi raha. But anyways, fir ye wala theek hai? Ha, ye sahi. Acha color grey hai, bilkul exact match nahi ho raha, lekin chale mujhe winters ke liye chahiye na. Ha, sahi hai. Sir, it's whitish kind of. Sahi lagega sath. Sir? Hai na? Ye rehne deti hu fir. Confuse ho rahe the main aur mama ke hum log ye wala lein या फिर ये ग्रे लें। दिस वन इज़ गोइंग विद माई थीम, ये मेरी थीम के साथ जा रहा है, बट ये वाला जो है ये कोजी ज़्यादा है। तो खैर थीम के साथ यार मैंने अपना रखा हुआ है ऑलरेडी, है ना। दूसरा है मेरा थ्रो, इसको रहने देते हैं, बस ये वाला ले रहे हैं हम, इसको आप वापस रख दें। ऑल राइट ये पिंक है। तो अभी काफ़ी सारी लेने वाली हैं, लेकिन ये कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है और हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, इसलिए बस मैं सोच रही हूँ कि ज़रूरत की चीज़ें लेकर ही बस जल्दी जल्दी चलें, एंड इंशाल्लाह फिर कल परसों दोबारा आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं, अब तो इजीली आ सकती हूँ मैं, इवन विदाउट कामरान आई वुडंट हैव टू वेट फॉर हिम, क्योंकि मुझे अब बस यूज़ करना आ गई है। अच्छा मुझे जो है पिलो भी चाहिए एक अपने लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बिकॉज या सो ये रहे ना मेमोरी फोम, मुझे थोड़ा सा नेक इशू रहता है इसीलिए मैं मेमोरी फोम पिलो यूज़ करती हूँ, एंड आई नीड दिस वन। ऑल राइट और अब जल्दी जल्दी घर पहुँचना है, एंड आज मैं अपने कामों से निकली हुई हूँ तो अफ्तारी बना रहे हैं कामरान। वो वाला आपने 10 लिया था मेरे ख्याल से, है ना? यस देखो नारी सो गाइस शॉपिंग हमने कर ली है और अब हम लोग जा रहे हैं वापस, अगेन बस स्टॉप पर जा रहे हैं, तो अब मैंने
जाने आने का तरीका देख लिया था, अब मैं जाने का तरीका देखूँगी। तरीका क्या है, वही तरीका है। ये मम्मा घसीटती जा रही है ट्रॉली। तो राइट नाउ आई एम एट द बस स्टॉप, ये देखें। और अभी 3 मिनट में बस शेड्यूल्ड है आने के लिए। इतना मुझे मज़ा आ रहा है ना, सीरियसली, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ऑस्ट्रेलिया में। जब तक अब मेरा लाइसेंस नहीं आता तब तक आई हैव टू ट्रैवल बाय दिस, अदरवाइज़ मुझे कामरान का वेट करना पड़ेगा हमेशा, एंड आई डोंट रियली वांट टू बी डिपेंडेंट अपॉन हिम। सो दिस इज़ द की टू इंडिपेंडेंसी। ये स्टेशन बना हुआ है, वेटिंग स्टेशन। यहाँ पे मैंने मम्मा को बोला बैठ जाए। स्टॉप नंबर लिखा हुआ है, एंड ये पूरा रूट लिखा हुआ है, रूट नंबर, एंड ये सारे शेड्यूल है कितने से कितने बजे आनी है। ये देखें, दिस इज़ द होल टाइम टेबल, एंड एग्जैक्टली ऑन टाइम हियर इट इज़। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वापस, एंड मज़े की बात ये कि दूसरे वाले बस वाले ने भी पैसे नहीं लिए। आई गेस ही रियली डिड नॉट वॉन्ट टू गिव चेंज, यही वजह है। तो कार्ड बनवाना इज़ वेरी इजी, अदरवाइज कैश वाला सीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, मैं घर वापस आ चुकी हूँ और अफ्तारी इज रेडी, कामरान ने बनाई है। आज मेरा मिशन अकॉम्प्लिश हो चुका है, मैं अपने हाथ धो लूँ। कामरान हैरान हो रहे हैं कि यार मैं फ्री में जाके कैसे आ गई हूँ, पैसे ही नहीं दिए मैंने बस वाले को। क्यों नहीं दिए भाई? जाते हुए उसने मुझे बोला कि जना चेंज लेगा, तो मैंने बोला मेरे पास तो $50 का नोट है। तो उसने बोला नो दैट्स आई कांट डू, तुम जब मॉल जाओगी ना तो वहाँ से चेंज करवा लेना। हाँ उसने, अच्छा मैंने बोला ठीक है, सो रहा है, अच्छा बच्चा है। आपने रोज़ा नहीं खोला? ओके, अच्छा फिर क्या सीखूंगा यार, मेरी कहानी तो कंप्लीट होने से फ्री में आने की। हाथों में पकौड़े सुनाती रहना बैठ। अच्छा हाथों को आते हैं पकौड़े बनाने? अनिया मेंग्स है। वाह भाई। अच्छा हाथ धो लिया, मैं अपनी कहानी कंप्लीट करती हूँ। तो फिर क्या सीन हुआ कि जै ना उसने, अच्छा जब मैंने ना फिर मॉल से ना वो करवा लिया, क्या कहते हैं, खाती भी जाऊँगा साथ साथ, चेंज करवा लिया बंदी से, मैंने शॉपिंग की थी, मैंने फिर उससे कैश से ही शॉपिंग की ना, तो उसने मुझे दिया है कैश। अब मैं जब वापस आई मैं उसको देने लगी, मैला आई पे इन कैश, कहता यू हैव अ स्मार्ट कार्ड और पता नहीं क्या कुछ बोला उसने। मैला नो आई पे कैश, इट्स ऑलराइट, इट्स ओके, मैला ओके, सही है, फ्री में आ जाते हैं, नो वरीज, चीयर्स। अच्छा मैं बोलूँ निकल क्यों नहीं रही है, ये मुझे फिसल रहा है ना, हाथ धुला हुआ है, खुल गई खुल गई। कामरान ने अफ्तारी में पकोड़े किए हैं, आलू के पकोड़े एंड अनियन रिंग्स, और आलू के पकोड़े बनाए हैं, मिर्च का भी है जी, मिर्च भी, और साथ में फ्रूट चाट बनाई है, मिर्च शरबत बनाया है। वो बशर पुत्र, वेल डन। देखो ये अनियन के हैं। इसी रास्ते पे जब मैं ऊपर पे गई थी मॉल, कई दफा गई हूँ मैं, एक साइड के कितने पे करती हूँ, अराउंड $15। जब बिहार आया था ना 2011 में, तो मैं ट्रेन में और बस में बस बैठ जाता था बगैर टैग ऑन किए, कार्ड अपना टैग नहीं करता था, मैं कहता क्या पे करूँ, पैसे बचाओ, यूनिक फीस देंगे। लेकिन ये होता है कि उसमें ना टिकट चेकर अगर आ जाए तो आपको फाइन कर देते हैं, तो इतने का टिकट नहीं होता जितना फाइन हो जाता है, $50 या $70 होता था उस टाइम पे। रिस्क ले देते हैं, लेकिन पकड़ा नहीं है कभी भी। रश होता था तब बहुत, मेलबर्न में था ना मैं उस टाइम, शदीद बिजी था। इतने का कबाब आएगा, इतने का सब्वे आता है, कोक का कैन उस टाइम पे $2.40 का था, उस पे पेट्रोल स्टेशन पे उसको मैं मल्टीप्लाई करता था, यार कितने का बनेगी, तो 450 का बनेगा, नहीं पीता रहने तो। पाकिस्तानी में कन्वर्ट करते थे जब नया नया, फिर तो बंदा मर जाए भूखा, फिर बाद में आदत होगी थी 1-2 महीने के बाद, फिर बस यहीं का, फिर यहीं की करेंसी, अगर वो बंदा करता रहे फिर बंदा बस थोड़े टाइम चलता है, वही ना।
इसी खुशी में फ्रूट चाट खाते हैं। ऑल राइट गाइस, सो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।